हम बात कर रहे हैं जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 1% के अपसाइड के साथ स्टॉक में क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। जीएमआर इंफ्रा का खेल जो है अब यहाँ से पलट चुका, यहाँ से और अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। इस हाई का यानी 100 के लेवल का स्टॉक ब्रेकआउट करते नज़र आ सकता है, इसके हाईली चांसेस बन रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 100 के लेवल के ब्रेकआउट के हाईली चांसेस बन रहे, तो आओ थोड़ा सा चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं स्टॉक ने इससे पहले ऑलमोस्ट 90 के लेवल से एक जंप दिखाया। कहाँ तक का दिखाया? 100 तक का। रिजेक्शन के साथ गिरावट आई, तो इस गिरावट के साथ क्या स्टॉक ने अपने इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया? नहीं किया। सेम सपोर्ट से बाउंस बैक करा स्टॉक, मतलब रीटेस्ट किया अपने 90 के सपोर्ट को और बाउंस बैक कर रहा है। और जब भी ऐसे सिचुएशन होती है अपने सेम सपोर्ट को रिटेस्ट करके स्टॉक बाउंस बैक करता है तो रिसेंट हाई के ब्रेकआउट के चांस बनते हैं। और बाउंस बैक के बाद का ये जो चार्ट पैटर्न है इस पर भी एक नज़र डालिए। जंप आया, गिरावट आई, लो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, अगेन जंप, गिरावट आई है, तो इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया, जंप के साथ स्टॉक बाउंस बैक दिखा सकता है। तो नीचे की ओर 94 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट है और स्टॉक जब तक इस लो के ऊपर है यानी 88-90 के ऊपर है तब तक जीएमआर में अपसाइड के चांस बने हुए। अब बात करें टारगेट की, तो इससे पहले कहाँ से रिजेक्शन फेस किया है? 98 का लेवल इमीडिएट टारगेट है, ब्रेकआउट कर गया तो अगला टारगेट 100 का लेवल, नेक्स्ट टारगेट 100 और इंतज़ार है 100 के ब्रेकआउट का। अगर 100 का लेवल जीएमआर इंफ्रा ब्रेकआउट कर गया तो उसके बाद फिर बड़ी उड़ान यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है, फिर लगातार अपसाइड जीएमआर इंफ्रा दिखाता नज़र आ सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।